अच्छा उसको पूछना भाई, मैं मिशन मंगल टाइम इंटरव्यू में क्या पूछोगे मेरे से फिर, अगर अभी पूछ लोगे कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त को आपकी फिल्म मिशन मंगल भी आ रही है, 15 अगस्त को रक्षाबंधन भी है, हाँ ये कैसी चल रही है आपकी तैयारियाँ? ये ना बहुत स्ट्रेस हो गया है, क्योंकि रक्षाबंधन पे यूजली लास्ट ईयर तो मैंने कोशिश करी थी, मैं घर थी गई थी अपने सारे भाइयों को राखियाँ बांधने, तो इस साल मैं रक्षाबंधन के दिन नहीं, उसे दो दिन पहले शायद दिल्ली में हूँ तो वो बांध के मैं एडवांस रक्षाबंधन करके आ जाऊँगी, और 15 अगस्त के दिन घर पे बैठ के वो सुबह जब दूरदर्शन पे देखते हैं वो सारा प्रोसेशन वो देखते हैं, वो मेरा एक तरह से रेगुलर रूटीन रहा है बचपन से, मेरे पेरेंट्स ने आदत डाल रखी थी मेरी, तो रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो तो वो देखते हैं, और उसके बाद नंबर देखेंगे कितने आ रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे। होता क्या है, फेस्टिवल सीज़न जो होता है उस समय स्पेशली इतना लंबी एक्सटेंडेड वीकेंड होता है जब, तो फैमिलीज आर मोर देन हैप्पी टू गो आउट ट्वाइस टू वॉच अ फिल्म इफ़ दे फाइंड इट गुड। आई थिंक ये इंडिपेंडेंस डे के लिए भी सही बैठता है और ये दिवाली पे भी सही बैठता है, मेरी फिल्म दिवाली पे आ रही है विद अनदर फिल्म, सो आई थिंक दैट्स बिकॉज वी हैव सच अ लॉन्ग हॉलीडे एंड फैमिलीज आर इन अ मूड टू सी अ गुड फिल्म, सो दैट वेज आई डोंट थिंक विद दीज टू फिल्म इट विल रियली मैटर मच। Yeah, I mean both will get a little more breathing space because one another big film got moved. So yeah. करीब 17 करोड़ तक तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है तुम्हारे को? अरे अरे थोड़ा सा बढ़ाओ सुमित, थोड़ा सा बढ़ाओ। हाँ और बढ़ जाएगा ना, ओके चलो ठीक है, चलिए थैंक यू। क्या इधर स्पेशल लेट कमर्स के लिए इधर है, सॉरी वाला।